अरे इसमें इस बात को ध्यान रखना है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको जो प्रॉब्लम होगी किसके अंदर होगी कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, वीक एसिड कौन है और वीक बेस कौन सा है, ध्यान रखना। ठीक है, इतना कम से कम याद है तो आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम खत्म, ठीक है ना। क्योंकि एसिड बेस का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास H2SO4 आ गया है, HNO3 और HClO4 है, HClO3, HClHBr, H है। अच्छा एक बात बताइए, आपके पास HF स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है? टॉप टू बॉटम जब आप जाते हो, ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन फैमिली के अंदर, एक बात बताइए वहां पर क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ नीचे की तरफ बढ़ता ही घटता है? बढ़ता है, बढ़ता है। इसलिए HI, HBr, HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग होता है और HF क्या होता है, ठीक है, ये हो जाता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है, जितने भी अल्कली मेटल होते हैं, अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे पास, स्ट्रॉन्ग। ये ध्यान रखिएगा, हमारे पास चलिए, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया हमारे पास और स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है ना। जितने भी अल्कली मेटल होते हैं, ठीक है ना, वो सबके सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग। और एक अल्कलाइन अर्थ मेटल का भी होता है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है ना। यहाँ पर वीक एसिड की बात कीजिए, H2SO3, HNO3, सॉरी HNO2, अगर 3 हो गया तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। ये कंपाउंड्स हो गए, जितने भी ऑक्सी एसिड फास्फोरस होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना H3PO4 टाइप का, ठीक है ना, वो सबके सब क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, ठीक है ना, वीक एसिड होते हैं। उसके बाद H2CO3, H3PO3, देखिएगा H3PO3 है ना, ये आर्हेनियस एसिड नहीं होता है, समझिए क्या हो जाएगा, एसिड होता है लेकिन आर्हेनियस एसिड नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो भी वीक होते हैं। हालांकि ऑर्गेनिक के जितने भी एसिड होते हैं ना, सबके सब क्या होते हैं, वीक ही होते हैं, बात समझ रही है ना। जैसे लेकिन भाई वीक में भी तो एक स्ट्रॉन्ग होता है ना, पूरी दुनिया का अगर हम मतलब क्या करते हैं, 10 बकलोर बच्चा सबको उठा लिया जाए, क्या कर लिया जाए, बच्चा को उठा लिया जाए, ठीक है ना, तो उसमें से भी तो एक अच्छा खासा होगा ना। हाँ, सब 3 बोलेगा, फैन के अंदर कितने बत्ती है, तो सब बोलेगा 1 2 3, एक तो बोलेगा ना 3 है, उसमें दिख तो रहा है 3 है, पता नहीं होता है कि नहीं होता, समझ में आ रही है ना। तो जैसे इस तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर HC(OCH3), इसको क्या बोलते हो, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, ये एसिड होता है। यहाँ पर CH3 फिर C(OH) और OH, इसको क्या बोलते हो, इसको क्या बोलते हो, एसिटिक एसिड, ठीक है ना। और फिर इसका हो जाता है प्रोपेनॉइक एसिड। आपसे बोला जाए इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, दोनों ही वीक है, समझिए दोनों ही वीक है, इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग होगा नहीं, कौन सा हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो प्लस आई पे क्या करता है, इसके एसिडिटी को घटा देता है, ठीक है ना, घटा देगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये पहला और ये दूसरा, यानी अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखे तो 1 ग्रेटर देन हो जाएगा इसके 2 के, तो इसी तरह से समझ जाना। उसके बाद बात करते हैं हम लोग वीक बेस के, तो जो करता है लेकिन वीक करता है बाबू, वीक करता है, मुझे लग रहा है ये स्ट्रॉन्ग की बातें कर रहा है। हां ऐसे तो बहुत सारे कंपाउंड होंगे जिसके अंदर क्या हो जाएगा, दोनों वीक करता है, दोनों सो करता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा वहां पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक है, ठीक है ना, ज्यादातर आपको क्या दिखेगा, वीक देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए डी ब्लॉक के जितने भी मेटल होते हैं ना, जो हाइड्रोक्साइड शो करते हैं, वो क्या होते हैं, वीक बेस होता है। जैसे Fe, जिंक हाइड्रोक्साइड हो गया, फेरस हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सबको लिखना उतना पॉसिबल नहीं था, बहुत कंपाउंड था। FeOH का ट्वाइस, ZnOH का ट्वाइस, बात समझ रही है ना। हाँ, जितने भी ऑर्गेनिक बेसिस होते हैं, इधर देखो, जितने भी ऑर्गेनिक बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं, वीक बेस, वीक बेस। जैसे RnH2, R मतलब ये ऐसे लिख दो, फर्स्ट डिग्री अमाइन, अरे कैसा है, अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों में स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है,
थर्ड डिग्री सेकंड डिग्री फर्स्ट डिग्री फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री वेरी वेरी समझदार बच्चा है देखो ये होगा देखो भाई ये डोनेट इसका लोन पे डोनेट करता है ठीक है ना ऊपर से तीन तीन डोनेट करने वाले ग्रुप है तो पहले कौन डोनेट कर देगा ये लोन पेयर जितना आसानी से डोनेट करेगा यहाँ पर समझिएगा ठीक है ना तो इस चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना ठीक है चलिए तो यहाँ पर मैंने ऑर्डर लिखवाया नहीं है बस आपको समझाया है ठीक है ना हो गया अब देखिए थोड़ी सी जो जब हम लोगों ने क्या किया था कंजुगेटेड एसिड और बेस पढ़ा था ठीक है ना तो एक एसिड क्या करता है एक हाइड्रोजन को डोनेट करता है डोनेट करने के बाद जो बेस बनता है वो क्या बनता है कंजुगेटेड समझिए क्या बनता है कंजुगेटेड बेस और एसिड और कंजुगेटेड दोनों नेचर में कैसा होता है कैसा होता है अपोजिट नेचर का होता है ठीक है ना तो इस बात को ध्यान रखना है जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये वाला डेटा आपको याद होना चाहिए अलग लिख लेना बढ़िया से देखो HClO4 देखिए यहाँ पर HClO4 ठीक है ना ये HCl क्या हो जाएगा O4 माइनस यानी H प्लस डोनेट कर दिया होगा ना ठीक है तो एक बात बताइए कैसा बेस होगा वीक कंजुगेटेड बेस वीक हो जाएगा तो मैं W लिख दूँ ये बताइए HF तो ये फिर माइनस हो जाएगा साथ में H प्लस ठीक है और उसके बाद बताइए वीक की स्ट्रॉन्ग यस स्ट्रॉन्ग नेचर में अपोजिट है ये स्ट्रॉन्ग है ठीक है ना ये कैसा हो जाएगा सी एल माइनस और साथ में एच प्लस ठीक है और ये कैसा हो जाएगा वीक पक्का अगर ये वीक है तो आगे स्ट्रॉन्ग क्या चीज दी गई यहाँ पर क्या है NH3 है स्ट्रॉन्ग NH2+ NH2+ हो जाएगा NH2 और फिर उस पे ये वीक है हमारे पास ठीक है ना ये एसिड की बात कर रहा है तो ये एसिड हमारे पास एच प्लस डोनेट करना चाहिए था ना सर सही बात है इसमें NH3 नहीं NH4 होना चाहिए था ठीक है ना ठीक है ना ये क्या हो जाएगा NH4 होना चाहिए था ना NH4+ हाँ NH4+ तो अच्छा रहेगा अरे भाई ये हुआ ना तब इतना तो डोनेट करेगा ना ये क्या हो जाएगा NH3 प्लस में एच प्लस को डोनेट कर दिया ठीक है डोनेट कर दिया है ना नहीं समझा समझ नहीं समझा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास तो ये हमारे पास क्या जाएगा स्ट्रॉन्ग मैं बताइए इसका बताइए क्या होगा H2PO4 ये वीक है ये क्या लिखते हैं HPO4-2 प्लस एच प्लस लिख दो क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग ये वीक तो क्या बन जाएगा Ac2O4 इसका फॉर्म का नाम तो पता ही है ऑक्सैलिक एसिड ठीक है तो ये क्या हो जाएगा H2O इसमें कोई समस्या थी पीछे हाँ इधर तो सब लिखा ही हुआ है बना दिया गया है ये आपके पास वीक बेस है तो ये क्या हो जाएगा कैसा करना हो जाएगा आप जस्ट अपोजिट हो जाएगा ठीक है ना तो ये हो जाएगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग ठीक है आप बताइए मॉर्फिन का थोड़ा फॉर्मूला याद रखिएगा ठीक है ना कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है 19 जो 20 से पहले आता है 18 के बाद होता है ठीक है ना अब देखिए हमारे पास मॉर्फिन और एक आ गया C17H2 हां H2O H2O किसे लगा रे H20 है H20 है वो सब लिखे हो ना 20 कितना तो सोच सकते हो भाई अब बताइए ना जी ये स्ट्रांग वाला के भी भगाए वाला मॉर्फिन स्ट्रांग वीक तो ये कैसा हो जाएगा स्ट्रांग ये स्ट्रांग तो ये कैसा हो जाएगा वीक ये स्ट्रांग तो ये कैसा हो जाएगा वीक और ये वीक तो ये स्ट्रांग इसमें कोई समस्या नहीं एक बात ध्यान रखिएगा नोट करके चीजें कभी कभी देखिए H3BO3 समझिएगा ये जो होता है ना आरहेनियस एसिड नहीं होता है लेकिन एसिड होता है लेकिन आरहेनियस एसिड नहीं शो करता है बात समझ आ रही है ना हाँ और ये कैसा है इसको क्या बोलेंगे ट्राई बेसिक बोलेंगे पेंटा बेसिक बोलेंगे या मोनो बेसिक बोलेंगे ट्राई बेसिक हो जाएगा ना स्ट्रक्चर की BOH और ये कैसा हो जाएगा हमारे पास OH ठीक है और ये कैसा हो जाएगा OH ठीक है ना एक इनऑर्गेनिक बेंजीन होता है नाम सुने हो ना इनऑर्गेनिक बेंजीन हां नहीं सुने चलिए इसको नोट कीजिए पहले हो गया जल्दी जल्दी चश्मा इसे सभी लगता है एक मिनट इसमें एक चीज को
ध्यान रखना इनऑर्गेनिक बेंजीन आता है क्योंकि अभी क्या पता लगता है पेपर में डाल दिया जाए इनऑर्गेनिक बेंजीन। देखो आई मतलब B3H6 और A3 होता है एक फॉर्मूला आता है। हां देखते हैं अब यहां पर देखिए बी बी और ए बी हो गया फिर एन ए और ए ऐसे स्ट्रिंग ट्रायंगल बोल रहा है सही में कितना मैं अपने क्लास में भी था बोलता था जितना मैं बोलता है कभी कभी मुझे गुस्सा आता है लोग मैं सोचता हूँ गुस्सा करने से फायदा क्या है ये आप तो देखिए ऐसे समझदार तो तुम लोग हो ये हो गया। देखो इसके पास लोन पे है इसके पास लोन कर है इसके पास इसका वैकेंट ऑर्बिटल है अरे तीन ही बोर्ड पर है ना इसका वैकेंट ऑर्बिटल होगा इसका भी वैकेंट ऑर्बिटल है आया ना हाँ। कौन सा ऑर्बिटल है ए से पी 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 ऑर्बिटल वैकेंट है ठीक है ना तब इसको दया आ जाएगा ठीक है ना ये इसमें इलेक्ट्रॉन दे देगा ये इसमें इलेक्ट्रॉन दे देगा ये इसमें इलेक्ट्रॉन दे देगा तो सबके बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा ठीक है ना। जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो क्या बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है इसका तो इसी को बोलते हैं इंग्लिश में इनऑर्गेनिक बेंजीन अकार्बनिक बेंजीन ऐसे हल्ला करता है कोई बात नहीं दोबारा लिखेंगे ऐसे तो आप लोग समझदार हो अगर डाउट है तो बताओ मैं बना देता हूँ। नाइट्रोजन रहेंगे ना सर हाइड्रोजन हाइड्रोजन कहीं पर भी कुछ लगाओ बस ध्यान रखिए तो चीज सही होना चाहिए। ये हो गया इस तरह से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन इनके बीच में हो जाएगा इसी को बोलते हैं अपन इनऑर्गेनिक बेंजीन ठीक है ना। अब मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा तो बना लोगे नहीं क्योंकि अभी हमें आयनिक इक्विलिब्रियम पे चल रहा है और आयनिक इक्विलिब्रियम एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है मजा आता है पढ़ने में या तो ये दिमाग का दही बना देगा नहीं तो आप चैप्टर का दही बना दो ही ऑप्शन है आप लोगों के पास ठीक है ना। चलिए तो लिखिए क्वेश्चन आप दही बनाएगा और जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं करिए आप और लाइव में नहीं है लिख लिए।